हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली वो कैप सीरीज के 19th सेट में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे आज के एक क्वेश्चन के बारे में। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ये वर्ड है मैमथ। इसको मैंने कहीं ना कहीं कवर किया है और इसके आपको सिनोनिम बताने हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर जो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज के पाँच वर्ड्स हैं वो हैं ये, जो पांच वर्ड्स हैं, कैलो कैलो, इसको कैलो ही पढ़ते हैं, बेयर फिस्ट, पेल्पेबल, रेज एंड रिबफ। ये हैं आज के पांच वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। जो पहला वर्ड है कैलो, इसका मतलब क्या होता है? कैलो मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल किसी भी चीज में बिल्कुल अनुभवहीन है, जो भी स्टार्टिंग कर रहा है। क्या इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड है, जो बिल्कुल इमेच्योर है। या इनके लिए जो दो वर्ड्स और हैं, ग्रीन या नेवाई। ये ग्रीन जो है, ये वर्ड इसका इससे रिलेटेड एक इडियम भी है, एज ग्रीन एज ग्रास। इसका मतलब होता है बिल्कुल अनुभवहीन होना, बिल्कुल स्टार्ट करना, किसी चीज़ की बिल्कुल शुरुआत कर रहा है जो व्यक्ति, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये है कैलो। इसका इसके जो मैंने क्या कहते हैं सिनोनिम्स थे, ये लिखे हुए हैं दो, इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, ग्रीन, नेवाई, ये सब इसके सिनोनिम्स ही हैं। और जो मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हिज वे ऑफ राइडिंग अ हॉर्स इज शोइंग, जो जिस तरीके से वो अपना जिस तरीके से वो घोड़े पे बैठा हुआ था और उसको राइड कर रहा था, वो दिखा रहा था दैट ही इज अ कैलो जॉकी। क्या था कि जिस तरीके से वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, वो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल एक नौसिखिया जॉकी था। बिल्कुल अभी अभी उसने स्टार्ट किया है घोड़े पे बैठना, जैसे उसके पैर मुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पैर होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्नेस में फंसे हुए थे। हार्नेस वो होती है जिसपे बैठा जाता है, तो हार्नेस में उसको फंसा के बैठा जाता है, लेकिन ये पैर अपने उठा रखा है इस तरीके से। तो जो व्यक्ति है ये नया नहीं है, मतलब एज में नया नहीं है, लेकिन ये क्या है, हॉर्स राइडिंग के लिए बिल्कुल नया है, नया एक्सपीरियंस है हॉर्स राइडिंग उसके लिए। तो ये है वर्ड कैलो। जो नेक्स्ट वर्ड है बेयर फेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? ढीठ होना, बिल्कुल ढीठ होना या फिर बेनकाब होना। बेनकाब का मतलब क्या है? चेहरे पे कोई ऐसे चेहरे पे कुछ भी पर्दा ना होना, ये इसकी लिटरल मीनिंग है। ये है बेयर फेस्ड, चेहरे पे पर्दा ना होना, इसकी बिल्कुल लिटरल मीनिंग है। और जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, वो उसका मतलब होता है सेमलेस होना या अनडिस्गाइज्ड होना। इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेमलेस होने का मतलब तो बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अनडिस्गाइज्ड मतलब जो कोई छुपा के बात ना करे, बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड, किसी के किसी कोई बात कहे नहीं, बिल्कुल सामने, बिल्कुल एक निगेटिव तरीके से यूज किया जाता है ये वर्ड। तो इसका मतलब होगा जो जिसमें कोई लिहाज ना हो बात करने का, तरीका ना हो, जो कुछ किसी बात को कहीं भी बोलने की मतलब जरूरत करता हो इस तरीके की, जो बेपरवाही रखता हो, उसको बोलते हैं बेयर फेस्ड। जो बिल्कुल ढीठ ढीठ आदमी, ऐसा ढीठ व्यक्ति जिसको बात करने का तरीका नहीं है, एरोगेंस है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे आप बेयर फेस्ड। दूसरा मीनिंग जो है शोइंग एन अनकवर्ड, हैविंग एन अनकवर्ड फेस, ये तो इसकी लिटल मीनिंग है कि जो जो कवर जो फेस कवर्ड नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है, जैसे बेयर फुटेड या बेयर फेस्ड। बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव, जैसे होता है हम लोग बात करते हैं, तो नंगे पाँव का मतलब वही जिसमें कोई कवर नहीं है, कुछ का चप्पल वप्पल आप कुछ पहने रखे हैं, तो क्या है, बेयर फुटेड है। तो इस तरीके से ये इसकी लिटल मीनिंग है और ये इसकी एडजेक्टिव जो मीनिंग हम लोग यूज किया करते हैं। तो इसके जो और क्या कहते हैं सिनोनिम्स हैं, आइसोलेंट, फ्लैग्रेंट एंड ब्लेटलेंट। तो ये हैं इसके सिनोनिम्स। इन सबका फ्लैग्रेंट मतलब या आइसोलेंट मतलब होता है बिल्कुल वही बदतमीज टाइप का आदमी। फ्लैग्रेंट होता है वो बदतमीज टाइप का आदमी, जो बोलने में बिल्कुल कोई गुण ना रखे, कोई भी शर्म लिहाज ना हो उसके, बोल कुछ भी बोलना हो उसको मुंह पे बोल दे। तो ऐसे ही नीरव मोदी के बारे में मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही इज़ अ बेयर फेस्ड पर्सन एज ही स्टिल सेइंग दैट ही हैज़ डन, होना चाहिए था ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। उसने क्या, ये क्या कहते हैं, नीरव मोदी ने क्या किया था, बयान दिया था कि उसने जो कुछ भी किया उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, और मीडिया उसको, मीडिया और भारत की सरकार जो है उसको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इतना सब कुछ करने के बाद 11,000 करोड़ लेके भागने के बावजूद ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो ये क्या है, बेशरम आदमी। वो बेशरम लोग हैं जो गलत करने के बावजूद भी सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ हमने सही किया है जो कुछ किया है। तो ये था वर्ड बेयर फेस्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है पैल्पेबल, इसका मतलब क्या होता है? पैल्पेबल का मतलब क्या होता है?
कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है, जो इसको आप पहली बात जो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, और दूसरा क्या जो स्पर्श की जा सकती है, जो टेंजिबल है, ऑफ अ फीलिंग और एटमोसफियर सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल। कोई फीलिंग या कोई एटमोसफियर, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज है जो कोई फीलिंग है आपकी, इतनी ज्यादा इंटेंस फीलिंग आ रही है आपको कि उसको आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ उसको हम छू सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, वो इतना डर इतना तेज लग रहा है कि आपको मतलब इतना ज्यादा इंटेंस है उस डर की भावना जो आपके अंदर, कि आपको लग रहा है बस आप कुछ होने वाला है, ऐसा जो इंटेंस इंटेंसिटी है उसकी बहुत ज्यादा है। और जो सेकेंड मीनिंग है एबल टू टच और फेल, जो जिसको आप टच करके महसूस कर सकते हैं, जो टेंजिबल है। तो स्पर्श जो जिसको आप स्पर्श कर सकें, स्पर्शनीय है, जो स्पर्शनीय है उसको बोलते हैं ये स्पर्शनीय, इसलिए टेंजिबल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। और जो दूसरा यूज हम करते हैं उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी फीलिंग या किसी एटमॉस्फेयर के लिए, जो बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको ऐसा लग रहा हो कि टेंजिबल है, इसको आप छू सकते हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा स्पष्ट है, इतना ऑब्वियस है, सुस्पष्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है पैल्पेबल, इसको बोलते हैं पैल्पेबल। तो जो मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा लिखा हुआ है वो इसी से रिलेटेड हुआ रिलेटेड है कि ही हैड अ पैल्पेबल सेंस ऑफ रिस्क इन दिस न्यू डील। उसको क्या लग रहा था, इस जो नई डील होने वाली थी उसको ऐसा एहसास हो रहा था उस डील में कि उसको मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं खतरा है। तो उस चीज़ उस रिस्क को पहले से महसूस कर पा रहा था, पहले से उस चीज़ का सेंस उसको हो रहा था, वो स्पष्ट रूप से उस चीज़ को महसूस कर पा रहा था कि इस वाले डील में कहीं ना कहीं खतरा होने वाला है। तो ये वर्ड था पैल्पेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है रेज, इसका मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है। रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, बिल्कुल ध्वस्त कर देना, धराशायी कर देना, बर्बाद कर देना, उस सेंस में यूज किया जाता है वो, ये वर्ब होती है। तो उसका ये जो रेज है इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के सेंस में किया जाता है अ बिल्डिंग, टाउन और अदर सेटलमेंट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सही से है, पूरी सुव्यवस्थित है, उसको आप पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, उसको नष्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो नष्ट करने की प्रक्रिया है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रेज। और इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है RASE, रेज। उसका मतलब क्या होता है, उठाना, कोई चीज़ उठाना, उठना या उठाना, हाथ उठाने के लिए बोलते हैं जो रेज योर हैंड। तो ये है ये रेज, इसको भी पढ़ते हैं रेज। और इसका मीनिंग जो होता है इससे एग्जैक्टली डिफरेंट होता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात किया है तो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश या रुइन। डिमोलिश भी होता है वही कि कोई अच्छी सी बिल्डिंग बनी हुई है उसको आप एकदम से धराशायी कर देते हैं। डिमोलिश वर्ड आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा बाबरी मस्जिद के केस में, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हुआ था। और रुइन मतलब भी होता है बर्बाद कर देना, बिल्कुल कोई चीज़ जो अच्छी है, अच्छी भली चीज़ को बिल्कुल बर्बाद कर देना, तो ये होता है रुइन। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैनी रूलर्स इन द हिस्ट्री रेज्ड हिस्टोरिकल मोमेंट्स मेनूमेंट्स जस्ट टू स्प्रेड देयर ओन रिलीजन एंड टू सेटिस्फाई देयर ईगो। क्या हुआ, कुछ ऐसे रूलर्स अपने हिस्ट्री में रहे हैं जो क्या कहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने बहुत सारी धार्मिक चीज़ों का या बहुत सारी जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स से मेनूमेंट्स थे उनको क्या किया, डिमोलिश किया, बहुत सारी चीज़ों को गिरा दिया गया, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो उनके धर्म से रिलेटेड नहीं थी उन सबको तोड़ा गया। हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा हुआ है, और उनके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे पास मौजूद हैं। और जैसे कि बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये है रेज, बिल्कुल नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, बिल्कुल बर्बाद कर देने के सेंस में यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट वर्ड है रिबफ। रिबफ मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब और नाउन दोनों है। तो रिबफ मतलब होता क्या है, दुत्कारना, दुत्कारना या रोक लगा देना किसी पे। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, सिर्फ रिजेक्ट करना नॉर्मल तरीके से नहीं, बिल्कुल एब्रप्ट तरीके से, अनग्रेसियस तरीके से, एक अनग्रेसियस और एब्रप्ट मैनर में उसको बिल्कुल बुरी तरीके से मना कर देना। किसी ने आपको कोई चीज़ ऑफर की बड़े विनम्र तरीके से और आपने उसको एक बहुत गंदे तरीके से मना किया। तो जो ये वर्ब होगी, ये मना करने का जो तरीका होगा ये वर्ब होगी। इसके लिए भी यूज़ किया जाता है क्या कहते हैं रिबफ, और ये नाउन भी है। तो जो आप वो क्या कहते हैं मना कर रहे हैं उसको, जो उस पर रोक लगा रहे हैं वो भी है रिबफ। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं रिजेक्ट, रिफ्यूज़ एंड डिक्लाइन। डिक्लाइन करने का मतलब भी होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ मतलब कोई चीज़ मानने से इनकार कर देना, कोई चीज़ आपसे कोई बहुत विनम्रता के साथ आपसे कोई चीज़ बोल रहा है और आपको उसको मना कर देते हैं। और रिजेक्ट का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बोथ द नेशंस हैव रिबफ्ड द पीस एग्रीमेंट्स
जो ये दो लोग दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे इमेज में, ये हैं पुतिन साहब और ये हैं कौन, ट्रम्प। तो ये दोनों बहुत बड़े नेशंस के जो हेड हैं। तो क्या है इन्हीं के बारे में है, बोथ द नेशंस हैव सॉरी रिवर्फ्ड द पीस एग्रीमेंट्स सेवरल टाइम्स, दैट इज वाई। क्या किया है इन लोगों ने, इन दोनों देशों ने पीस एग्रीमेंट्स जो जो मतलब जो क्या कहते हैं पीस एग्रीमेंट्स जो थे अभी तक जितने ही बार पीस की बात की गई उन सबके जो एग्रीमेंट्स थे उन सबको हर बार रिजेक्ट कर दिया है। दैट इज वाई वी आर सीइंग द बैड रिजल्ट्स ऑल ओवर। उसके जो बैड रिजल्ट्स हैं हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे देख रहे हैं, पूरी दुनिया की ट्रेड पे देख रहे हैं, ट्रेड कंटिन्यू गिरती जा रही है। और कुछ ऐसे कंट्रीज जैसे क्या कहते हैं अफगानिस्तान है या सीरिया है, वहाँ पे जो उनकी हालत हो रखी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दोनों देश काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। अगर एक साथ मिलकर कोई काम किया जाए तो वहाँ पे कोई भी एक चीज़ स्टेबल हो सकती है, कोई एक गवर्नमेंट स्टेबल करना चाहे तो स्टेबल हो जाएगी, और नहीं भी ऐसा कुछ करते हैं या कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर दे दोनों एक साथ, तो भी वहाँ पे एक तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी और जो कंडीशन इतनी ख़राब है वो इतनी ख़राब नहीं रहेगी। तो ये था वर्ड रिवर्फ। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ऑफर को, किसी भी व्यक्ति के ऑफर को या किसी चीज़ को बिल्कुल ठुकरा देना, तो ये होता है रिवर्फ। ये थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें स्पीड अप एजुकेशन को इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए, और आगे की दूसरे एग्जाम्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस और उनसे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।